Hey guys, welcome back to my channel. I'm Ritu and you're watching Ritu Handa. तो गाइस आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप लेके आई हूँ. ये है मेरी एवरीडे समर लुक. तो गाइस जिन लोगों की बहुत प्रॉब्लम होती है कि समर्स में हमारा मेकअप टिकता नहीं है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है. तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ उसको लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना. और गाइस इस तरह से अगर आप मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है. और स्टार्ट करते अपनी वीडियो. और गाइस सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज यूज़ करने के लिए यूज़ कर रही हूँ अपना VLCC का शेप अप ऑयल. तो गाइस इस ऑयल का फिर रिव्यू मैंने अपने चैनल पे दे रखा है और आप चाहें तो चेक कर सकते हैं. ड्राई स्किन वालों के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑयल है. बहुत ही स्मूथ कर देता है आपकी स्किन को और बहुत अच्छे से स्मज होता है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्राइमर. तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनरा का प्रो अल्टीमेट प्राइमर. तो गाइस इसको मैं सिर्फ अपने टीजोन एरिया में यूज़ कर रही हूँ जिससे कि मेरे जो पोर्स की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी कम हो जाए. तो गाइस इससे जो ये बहुत ही मैट प्राइमर है और आपके फेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है. और उसके बाद हमारा समर्स में इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा मेकअप सेटिंग स्प्रे. मैंने अब यूज़ कर लिया अपने फेस पर अपना वेट एंड वाइल्ड का मेकअप सेटिंग स्प्रे. तो गाइस अब उसके बाद है मेरा नेक्स्ट स्टेप कंसीलर. मैं कंसील ओनली अपने ब्राइट करने के लिए अपने फेस को यूज़ कर रही हूँ. तो गाइस बहुत ही कम मात्रा में गर्मियों में आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए अपने फेस पर, क्योंकि जब आपको स्वेट होगा तो सब प्रोडक्ट आपके फेस पे दिखेंगे. इसलिए जितना कम हो सकता है उतना ही प्रोडक्ट्स अपने फेस पर आप यूज़ कीजिए. तो गाइस मैंने हल्का हल्का सा अपना कंसीलर यूज़ कर लिया है और बहुत अच्छी तरह से अपने जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो आपको अपने फेस पर बहुत अच्छी तरह से उसको ब्लेंड कर लीजिए. तो गाइस बहुत अच्छी तरह से ये कंसीलर ब्लेंड हो गया है. और ये है सिवाना कलर का प्रो HD कंसीलर और इसमें मेरी शेड है लाइट. गाइस जो भी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है वो सब मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं. तो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी BB क्रीम का. ये है मेरी ऑरिफ्लेम की वेरी मी. तो गाइस समर मेकअप है और इसमें मैं बिल्कुल भी फाउंडेशन का यूज़ नहीं कर रही. एक तो एवरीडे मेकअप है और एवरीडे मेकअप में इतना हैवी बेस नहीं अच्छा लगता. तो गाइस मैं यूज़ करती हूँ अपनी BB क्रीम का. तो BB क्रीम में मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरिफ्लेम की वेरी मी. ये बहुत ही बढ़िया क्रीम है. आपके पास जो भी BB क्रीम है आप यूज़ कर सकते हो. तो गाइस मैंने अपने मेकअप स्पंज को कर लिया है वेट और उसके बाद मैं उससे ब्लेंड कर रही हूँ अपनी क्रीम को. और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ब्लेंड हो रही है और कितनी नेचुरल लग रहा है आपका फेस इससे. तो गाइस बिल्कुल भी मतलब आपके फेस को ये केकी नहीं करती और बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होती है आपके फेस पे. और पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है. और आपने अगर मुझे फॉलो करते आपने देखा होगा मैंने काफ़ी ट्यूटोरियल्स में इसको यूज़ कर रखा है. तो गाइस बहुत अच्छी तरह से मेरा फेस हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपना फेस. एक ड्यूई सी शाइन भी है क्योंकि मेरा ड्राई स्किन है मेरी. और ड्राई स्किन वालों को आपको पता है थोड़ा सा ड्यूई मेकअप बहुत पसंद आता है. तो उसके बाद सबसे समर्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा फेस को केकिंग करना, पाउडरिंग करना. तो गाइस उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना मेबलिन का ऑल इन वन केक पाउडर. गाइस ये नायका पे भी आउट ऑफ स्टॉक रहता है इसलिए मैं आपको फिटमी का केक पाउडर रिकमेंड करती हूँ. तो बहुत ही बढ़िया पाउडर है. उसका लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो गाइस मैंने कर लिया अपने फेस को सेट. ये स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समर्स में. तो उसके बाद मेकअप सेटिंग स्प्रे अगेन, क्योंकि जितना आप इसको यूज़ करोगे उतना ही आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा. तो गाइस बहुत ही अच्छा स्प्रे है और बिल्कुल भी आपके फेस को स्टिकी नहीं करेगा. तो उसके बाद हमारी टर्न है हमारे आईब्रोज़ की. और आईब्रोज़ में मैं यूज़ कर रही हूँ अपना मिस क्लियर का आईब्रो पैलेट. बहुत ही बढ़िया पैलेट है प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी और एवरीडे यूज़ के लिए भी, क्योंकि इसमें हर तरह के शेड्स है और बहुत ही अच्छा पैलेट है और मेरी ओर से हाईली रिकमेंडेड है. मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ इस पैलेट को. तो गाइस इसमें मैं अपने आईब्रोज़ को ज़्यादा डार्क नहीं कर रही क्योंकि एवरीडे मेकअप है और एवरीडे में आपको अपने आईब्रोज़ को इतना डार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. और बहुत ही मतलब सिर्फ मैं उसको अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ और बहुत ही नेचुरल आईब्रो रखूँगी मैं इस मेकअप में, क्योंकि एवरीडे लुक है इसमें मुझे बिल्कुल भी ड्रामेटिक कुछ पसंद नहीं है एवरीडे में. और उसके बाद मैं यूज़ करी सिवाना कलर के आई शेडो पैलेट. ये है मिनी आई शेडो पैलेट. इसका भी मैं लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. बहुत ही बढ़िया पैलेट है और गाइस मेरी ओर से हाईली रिकमेंडेड है. बहुत ही अच्छे कलर्स है इसमें. मैंने अपने क्रीज एरिया पे हल्का सा कलर लेके ब्लेंड किया है सिर्फ और ज़्यादा बिल्कुल नहीं. तो उसके बाद मैं यूज़ करी अपना काजल.
काजल में मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का जेल काजल, जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। तो गाइस ऑलमोस्ट मेरा काजल फिनिश हो चुका है। तो गाइस और थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट है और थोड़ा सा ड्राई भी हो चुका है, इसलिए मेरी आईज़ पे जल्दी से नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही बढ़िया काजल है। मैं इसको 3 बार बाय कर चुकी हूँ और अब 4th बार मैं इसको ऑर्डर कर चुकी हूँ। तो गाइस बहुत ही बढ़िया काजल है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि मेरी आईज़ में काजल कम है, क्योंकि काजल आ ही नहीं रहा मेरे ब्रश के साथ। तो आप इस तरह अगर नीचे वाटर लाइन में अपना काजल ब्लेंड लगाते हैं, तो आपको अपर लाइन पर भी अपना काजल ज़रूर लगाना होगा। गाइस ये स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी जो एक आईज़ है ना, बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है आईज़ पे। और उसके बाद ये जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने काजल को स्मज करना, क्योंकि समझ में, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मेरा काजल बहुत कम है, तो इसलिए मैंने और ज़्यादा काजल अप्लाई कर लिया है। तो गाइस जब भी आप समर्स में अपना काजल लगाते हैं, तो उसको ब्लेंड ज़रूर करें, क्योंकि समर्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और उससे क्या होता है, आपका काजल जो होता है ना, वो आपके आईज़ के अराउंड फैल जाता है, जो कि बहुत ख़राब लगता है। और आप अगर इस टाइप से अपने काजल को ब्लेंड करके लगाते हैं ना, तो आपका काजल फैलने के 90% चांसेस कम हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने अपर लैश लाइन पर भी किस तरह से अपने काजल को अप्लाई किया है, और इस तरह से आपकी काजल, आपकी आईज़ को एक स्मोकी सा इफेक्ट में मिलेगा और ज़्यादा प्रोडक्ट भी आपकी आईज़ पे नहीं होंगे, क्योंकि आईलाइनर एवरीडे में और समर्स में लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कई बार क्या होता है, स्वेटिंग से आईलाइनर्स बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। इसलिए मैं इसी तरह से अपने काजल को अप्लाई करती हूँ अपने अपर और लोअर लैश लाइन पर, दोनों पर। तो गाइस उसके बाद मैंने मस्कारा यूज़ किया है अपना मेबलिन का वाटरप्रूफ मस्कारा। मेबलिन के मस्कारा जो है वो माइंड ब्लोइंग है। तो वो वाटरप्रूफ मस्कारा मैंने यूज़ किया है, और उसके बाद मैं ब्लशर के लिए यूज़ करी अपना मेबलिन का मास्टर फ्लश ब्लशर। तो गाइस बहुत ही बढ़िया शेड है, बहुत ओम्बर सा ब्लशर है, और आप देख सकते हो कितना अच्छा मेरे फेस पर लग रहा है। तो मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इस ब्लशर की। तो गाइस उसके बाद है मेरा हाइलाइटर, और हाइलाइटर भी मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मास्टर चार्म हाइलाइटर, और इसमें मेरी शेड है गोल्डन मोल्ट, तो गोल्डन मोल्टन 100। तो गाइस बहुत ही बढ़िया हाइलाइटर है, आप चाहे तो इसको मतलब पार्टीज़ में, चाहे तो एवरीडे में, जहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी शिमरी नहीं है, बहुत ही सटल सा हाइलाइटर है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद मैं यूज़ करी अपने लिप कलर का मेबलिन सेंसेशनल की लिप कलर है, और इसमें मेरा शेड है बेस्ट बेब। और उसके बाद मेरा लास्ट स्टेप मेरा और सिंदूर से मैं अपना एवरीडे मेकअप करती हूँ कंप्लीट। और गाइस ये है मेरी फाइनल लुक। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये इजी बीजी मेकअप, समर मेकअप लुक? तो गाइस आई एम श्योर आपको पसंद आई होगी। तो गाइस ये मेकअप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, और एवरीडे में भी आप इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो, और विद इन 5 मिनट्स में आप इसको क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको मेरा ये मेकअप पसंद आया या मेरी ये लुक पसंद आई है, तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये मेकअप कैसा लगा, मेरी ये इजी वीजी समर लुक आपको कैसी लगी। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।